आज हम मिट्टी के घर को टाइल्स की तरह सजाएंगे। देखिए कितना अद्भुत है ये गोबर का कारनामा। वैसे मम्मी ये तो बिल्कुल पूरा ब्राउन टाइल्स की तरह लग रहा है। हाँ, तो ब्राउन टाइल्स बना रहे हैं यहाँ। यहाँ कलरफुल भी कर सकते हैं, पर अभी कलरफुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कलर सब नहीं है, इसलिए सिर्फ गोबर और मिट्टी से ही कर रहे हैं, है ना। जोहार दोस्तों, मैं पुतु निर्मला लकड़ा अपने YouTube चैनल पुतु निर्मला लकड़ा पर और एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ गैस। तो कैसे हैं गैस आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, और हम लोग भी बढ़िया ही हैं। और हम लोग गांव आए हुए हैं और गांव का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, सब तरफ झूड़ झाड़ और हरा भरा है। और आज हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, जो कल आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि हम कल गोबर करेंगे जो टाइल्स की तरह दिखेगा, तो आज वही काम करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोग को दिखाते हैं। इधर एक ठो बेटवा मेरा कमा के आ गया, देख सकते हैं भाग रहा है, शर्माता है थोड़ा, वो कैमरा के सामने फेस नहीं कर पाता है। और इधर मेरा बेटवा नहा धोवा के बैठा है, देख सकते हैं इसको तो पूरा मस्ती आता है। और ये वाला साइकिल आप लोग देख रहे हैं, ये साइकिल चला ले रहा है ना, चलाने सकता है ना? यस। चलाने सकते हैं कह रहा है। और कल मैदान में उधर जो आप लोग देख रहे हैं उधर मैदान है थोड़ा, तो वहाँ कल चला रहा था और गिर गया था, जता गया था, और लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, हाथ टूट टूट गया कि क्या, पूरा जता गया था पूरा शरीर में, साइकिल उसी के ऊपर गिर गया था और चिल्लाने लगा, उसके बाद हम हंसने लगे तो फिर नहीं रोया और फिर उठा। और देख सकते हैं गैस पानी के लिए हम लोग को यहाँ बहुत दिक्कत होता है, तो ये डब्बा डब्बा आप लोग देख रहे हैं, ये डब्बा में साइकिल करके हम लाते हैं। और वही टाइल्स की तरह आज हम अपने घर को सजाने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये टूटा फूटा घर, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, कर रही हूँ और करते रहेंगे जब तक यहाँ रहेंगे गैस। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जो भी यूट्यूब से कमाई आए वो ये घर में इन्वेस्ट करूँगी, थोड़ा रहने का रहने लायक बनाऊंगी, एल्बेस्टर लगाऊंगी या ईटा उटा से थोड़ा बहुत घर बनाऊंगी। और इधर देख रहे हैं मेरा पापा कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे, पहले नल था जो बोरिंग था वहाँ नल था, लेकिन वह ख़राब हो गया तो पानी नहीं आता है, तो बूढ़ा होने के कारण आप लोग तो देख ही रहे हैं कि लकवाग्रस्त है, नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा सा बहुत दिक्कत ही होता है। और आप लोग ने देखा एक लड़का था, वो मेरा भैया का बेटा है, वो कभी कभी पानी सब ला देता है। तो अर्पित फिर से साइकिल चलाने जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं वो लेके जा रहा है। मुर्गी से इसको बहुत डर लगता है, उधर मुर्गी आप लोग देख रहे हैं भाग रही है, डर रहा है। तो देख सकते हैं गैस ये बाल्टी में गोबर है, आप लोग को दिख रहा है ये बाल्टी में गोबर है, ये देखिए ये गोबर को मैं इस बाल्टी में करके इस तरह से बना ली हूँ, और इसी से अभी हम घर का लिपाई करेंगे। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। इधर परी भी उठ गई है, सो रही थी इधर परी, बिंगल बिंगल करके परी ना परी है ना, निन्नी निन्नी करके उठ गई है। और अभी इधर ये वाला रूम को अभी लीप करके कंप्लीट किए, दिख रहे हैं हरा हरा दिखेगा, ज़्यादा अंधकार है अभी और सब तरफ सामान भरा हुआ। और इधर भी देख सकते हैं टूटा फूटा घर है, और वो जो बांस उंस भी आप लोग देख रहे हैं उसमें पूरा दीमक लग गया है। तो देख सकते हैं गैस किस तरह से पूरा जमीन खुदा खुदा गया है और सब तरफ सामान भरा पड़ा है। इधर ये सबको अभी हम सरियाएंगे, और ऊपर भी आप लोग को दिखाते हैं पूरा मकरा का जाला और दीमक लग के पूरा घर टूट फूट रहा है, रहने लायक नहीं है, शायद ये बरसात में गिर जाएगा ये घर। उधर देख सकते हैं किस तरह से मकरा का जाला झोला पड़ा हुआ है, और इधर भी अभी पूरा को झाड़ू उड़ू करते हैं, उसके बाद हम लिपाई करना चालू करेंगे। गाइस
हम किस तरह से मिट्टी के घर को मिट्टी से ही लिपाई कर रहे हैं, मिट्टी और गोबर मिला करके। तो मिट्टी और गोबर करके लीपने से कैसा होता है घर देखिए, पूरा कुड़ा कुड़ा गया ही, छेदा छेदा। इसको मिट्टी और गोबर यहाँ ये करके रखे हुए हैं, सान करके मिला करके, और इसको इस तरह से करते हैं। उसके बाद में इसको इस तरह से फिर इसका छेदा सबको बंद कर देते हैं, जमीन में जो छेदा सब रहता है उसको छेदा बंद हो गया। अब यहाँ बाल्टी में आप लोग को पहले ही दिखाए थे कि इस बाल्टी में गोबर घोड़े हुए हैं, और ये बाल्टी का गोबर से हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से, जो कि टाइल्स भी फेल हो जाएगा गाइस। तो आज हम मिट्टी के घर को टाइल्स की तरह सजाएंगे। देखिए कितना अद्भुत है ये गोबर का कारनामा। वैसे मम्मी ये तो बिल्कुल पूरा ब्राउन टाइल्स की तरह लग रहा है। हाँ, तो ब्राउन टाइल्स बना रहे हैं यहाँ। यहाँ कलरफुल भी कर सकते हैं, पर अभी कलरफुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कलर सब नहीं है, इसलिए सिर्फ गोबर और मिट्टी से ही कर रहे हैं, है ना। जैसे ब्राउन, सिर्फ ब्राउन। एक्चुअली ये पूरा गोबर आजकल घास खाती है गाय ना। हाँ। तो पूरा हरा हरा इसका गोबर है, बहुत सुंदर। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, है ना। हमको बहुत हंसी आती है। अर्पित बहुत बदमाश हो गया है नानी घर आके ना, इसलिए हंसते रहता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाता है गाइस। पापा पापा कर रही है परी उधर। एक साइड से लिपना चालू किए हैं, अभी पूरा घर को लिपना है। तो गैस आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि थक गई, अभी दो ठो रूम करते करते तो थकावट लग रहा है। तो मैं आज ये रूम को केवल करूंगी, और बाकी का वो वाले रूम में गए जहाँ पर चटाई है वहाँ पर मम्मी शायद कल करेगी। तो कल अर्पित का स्कूल एब्सेंट हो जाएगा, तो आज ही अर्पित मैम लोग को इन्फॉर्म कर देगा कि अर्पित नानी घर आया है, कहे कि नानी का तबीयत खराब है, इसलिए तो घर सफा साफ सुथरा करके फिर हम लोग वापस आएंगे। गाइस आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि ये काम करना स्वाभाविक है, ये काम मेरे लिए अच्छा है बुरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा। मम्मी मम्मी अगर हम आपकी जगह में रहते ना, अभी हम ना क्या कहते बताए, अभी तक हम एक ही रूम को कर रहे होते। अर्पित को भी ये सब काम बहुत पसंद आता है, करने का मन करता है शायद, है ना। हाँ। तो हम ऐसे झाड़ू कर करके कर रहे हैं गाइस, पूरा कचरा है देख सकते हैं, ये एक महीना का कचरा जो कि मेरी मम्मी नहीं थी तो एक महीना से ये देख सकते हैं कचरा, कितना कचरा पड़ा हुआ ये देखिए, ये पूरा कचरा है पूरा देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय।